अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और मैं वुहान में वुहान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महर और हम दोनों सिस्टर्स हैं और हम लोग वुहान यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। और हम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, बट ये ज़रूरी भी है बताना क्योंकि ये सवाल बार बार हो रहा है। तो हम पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वुहान पूरा लॉकडाउन हुआ हुआ है और एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सब बंद है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं आ नहीं आ जा रहे सकते। हैं। और अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मतलब कल की वीडियो के बाद मेरा वैसे इरादा नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो, मैं सो रही थी और मैं बोर हो रही थी, मैं बाहर बालकनी पे बैठी और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे वो आंसू, यकीन करें ऐसा था कि आंसू वो मेरे इस सिचुएशन पे नहीं थे कि मेरे आंसू निकल गए, मेरे आंसू जो मेरी दोस्त, जो मेरी बहन जैसी है, उसकी रुखसती हो रही है, मैं वहां नहीं हूं, तो उसको सोच के मेरे वो आंसू आ गए हमने थे। सोचा था कि हम लोग जो है सरप्राइज देंगे, और तो मतलब हमने प्लानिंग की हुई थी, तो अल्लाह ने कुछ और ही प्लान किया था। सो बस उस पे हम लोग जो है वो थे कि यार फ्रेंड, उस वजह से कि हमने उसे सरप्राइज देना था और वो नहीं हो सका। सो सहरबाजी थोड़ा थोड़ा हो गई, अपसेट लेकिन हो गई। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। सो नहीं, मैं स्ट्रांग थी, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं क्या, मेहर और मैं, हम दोनों स्ट्रांग रहेंगे। और जो सिचुएशन थी और कोरोना वायरस था, हम उसको हरा चुके हरा हैं, चुके हैं वाकई वाकई हमने उससे फाइट किया है, और कर तो रहे कर हैं। रहे हैं। और कल जो सहरबाजी जो है थोड़ा सा अपसेट हो गई, सो उस बात पे मैं कुछ उस चीज़ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। कुछ अल्फाज, जो रखता है हुनर हंसने का हर हाल में, जो रखता है हुनर हंसने का हर हाल में, उसके भी आंसू आ गए, उसके भी आंसू आ गए, जरूर कोई बात तो होगी। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। बस ऐसे तो आप शायरी भी करती हैं? ही। आई थिंक इंसान को जो भी जो चीज करनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, कुकिंग हो, हर चीज हो, या तो शेर हो, वो उसको इंसान को ये इंसान दिल से करनी का, चाहिए। इंसान का आई थिंक समझती हाँ, हूँ क्या कहना चाहिए, हुनर, टैलेंट होता टैलेंट, है हाँ और टैलेंट इंसान को होता हर है। चीज़ दिल से करनी चाहिए। अगर वो तो कुकिंग कर मेहर की रहा है दिल की उसने किया आवाज है। थी, हाँ, मेरी दिल की आवाज़ थी वो। तो मेहर ने बहुत खूब लाइंस कही। जी, आई होप अच्छा, आपको आप लोगों को पसंद आई समझ, होगी। अच्छा तो ऐसा है कि अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं स्ट्रांग थी, हूँ और रहूंगी। और वो आंसू जो थे, वो मेरी फ्रेंड, मैंने बता चुकी हूँ कि उसकी उस पे था, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिचुएशन से हार गई और मैं रोने लग गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सहर और मेहर कभी भी ऐसा नहीं हो और सकता जो है था दूसरी कि चीज़ ये कि हमने जब कल के बाद से, जो वीडियो के बाद से, हमें इतनी दुआएं और इतनी सच सपोर्ट, में भाई, मतलब तो हमें वो इतना अच्छा लग रहा इतना है, अच्छा लग रहा है, बहुत मैं ज़्यादा, इतनी दुआएं मेरी, इतनी मतलब इतनी मेरा वैल्यू। इतनी, मतलब आप देखिए मेरे कमेंट्स जो उस पे आ रहे थे यूट्यूब पे, उसके बाद मुझे मैसेंजर पे, उसके बाद मैसेंजर के बाद मेरा जो है फेसबुक पेज हो गया, उसके बाद मेरा मतलब के इंस्टा पे हो गया, मेरे इतने मैसेजेस, इतने मैसेजेस, और उसमें दुआएं, और दुआएं के सहर, आप रोई कैसे सहर, आप तो इतनी स्ट्रांग हो सहर, हमारी दुआएं आपके साथ है, पाकिस्तान हम की कल की दुआएं बात से और ज्यादा अब और स्ट्रांग स्ट्रांग हो हो गए। अब गए तो हम जो है मतलब बहुत स्ट्रांग हो गए। बहुत ज्यादा। इतनी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, बस आप लोग इसी तरह एक बस दुआएं और करते रहे, और कुछ कुछ दुआएं ऐसी हैं जिन्होंने हमें और स्ट्रांग बिल्कुल किया, हम उनके नाम आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ कमेंट्स और कुछ कुछ बातों ने हमें इतना और स्ट्रांग बहुत बना ज्यादा, दिया। वैसे बट सारी दुआएं बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंस रखती हैं सबकी। कुछ दुआएं हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड, मतलब मुझे वही, अब तो मेरी फ्रेंड यूट्यूब ऐसा हो गया, लाइक मेरी फैमिली की तरह हो गई है, तो मैं तैयबा रशीद, जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, आपकी वो बातें, आपने मुझे इंस्टा पे, आपने मुझे हर जगह, मतलब मुझे, मतलब आपने मैसेजेस किए कि कहीं सो मैं रिप्लाई दूंगी, तो मैंने आपसे बात करी, और मुझे आपसे बात करके आपकी मामा की दुआएं, और आपकी मामा और आप दोनों ने मुझे इतनी जो दुआएं दी हैं, आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच आंटी, एंड थैंक यू सो मच तैयबा रशीद। और भी हमसे जो लोगों ने दुआएं की हैं, हम कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करें। देखिए ये ज़रूरी इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों की वजह से, अगर मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं समझने के स्ट्रांग अपना मैं सोच रही थी, अपने आपको डाउन सोच, डाउन अपने आपको समझने लगी थी,
तो वो चीज ना मेरे अंदर अब खत्म हुई और मुझे इन बिल्कुल चीजों ने और स्ट्रांग बना स्ट्रांग कर दिया। दिया। तो मैं आप लोग की इन चीजों को आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, कुछ जो कमेंट्स और कुछ दुआएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग किया, तो मैं शेयर अच्छा, करेंगी आपके साथ। जो ये मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि वखरा चैनल है जो, तो उन्होंने कहा है, गुड टू सी यू गाइस स्माइलिंग ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम एंड ब्यूटीफुल शायरी बाय मेहर, थैंक यू सो मच। और वाकई हम जो कल रो सहबाई रो गई थी, थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन उस टाइम में भी हमने जो स्माइल की और उस पे जो हमारी स्माइल नोट की, क्योंकि वो बहुत हमने कम लोगों ने नोट किया, नोट मतलब की, आंसू तो मेरे देखे लेकिन उसके बाद आप लोगों ने ये नोट नहीं किया कि मैं कितनी उसको भी बिल्कुल एंजॉय कर रही थी। मैं उसमें मैंने बहुत सी चीज एक्सप्लेन की कि हमने उस शादी को एंजॉय भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रांग नहीं रही। और और सारा जाहिद है, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू बोथ, स्टे स्ट्रांग यू बोथ, एंड जब अल्लाह मुश्किल देता है तो उतनी ही आसानियां भी पैदा करता है, बेशक इंडीड बेशक। बेशक और चाइना डायरीज है, ओ गर्ल यू आर रियली सो स्ट्रांग, लव यू बोथ, ऑलवेज स्टे स्ट्रांग एंड पॉजिटिव, अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू, देखिए, मतलब बहुत सारी बहुत दुआएं बहुत और बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी, मतलब इतना ज्यादा मुझे दुआएं मिल रही है, इतनी दुआएं मिल रही हैं, इतनी दुआएं मिल रही हैं कि मैं अगर मैं पूरा दिन में बैठ जाऊँ एक्सप्लेन करने, तो आई थिंक वो दिन खत्म हो जाना है। तो लेकिन वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी होती, हमें थोड़ी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। अब मेरा यही है कि मैं रोजाना आपको अपनी बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि सहर और महर रोजाना आया करें, रोज बताया करें अपनी, तो हम आपको रोजाना छोटी ही वीडियो बनाए लेकिन आपको रोजाना अपडेट अपडेट देंगे देते रहे। देंगे कि हम सहर और महर स्ट्रांग बार बार स्ट्रांग है रहेंगी। और इसके साथ साथ हमारे पास आपको बताने के लिए गुड न्यूज भी है, और गुड न्यूज मेहर बताइए। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग जो है काफी टाइम से जो है सब्र, बताया ना कि जो टाइम ऐसा है यहाँ पे हर कोई सब्र कर रहा है, और जो है अल्लाह ताला ने हमें उस सब्र का फल भी दिया है। और वो फल कौन सा फल दिया है, कैसे फल दिए हैं, कितने सारे फल दिए हैं, हम आपको दिखाएंगे और आप देखें इस इस वीडियो वीडियो में। में आगे मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाली हूँ, इस वीडियो को आप देखें और आप ये देखें कि मतलब इंसान जब ये सोचता है ना कहीं वो कि अल्लाह ताला मतलब कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, ना उम्मीद होता है कहने को आसान लफ्जों में, ना उम्मीद। तो अल्लाह ऐसे रास्ते बनाता है, और अब तो मैं आपको कहूँ कि अल्लाह ताला बेशक ऐसे ऐसी जगहों से रास्ते बनाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखें, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अल्लाह ने हर चीज का वादा किया, और अल्लाह ताला कैसे और कहाँ से आपको पहुंचाता है वो आपके भी और अल्लाह का गुण। बंदा कभी अकेला बिल्कुल हो ही नहीं बिल्कुल सकता। अगर बिल्कुल बजाहिर बेशक, आपको दिख रहा है कि सहर महर अकेले हैं, तो नहीं नहीं, सहर महर के साथ अल्लाह की दुआ, अल्लाह ताला तो है, आपकी दुआएं दुआएं हैं। हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरे फ्रेंड्स की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं। और सब्र कभी भी रायगा नहीं जाता। बेशक देखें इस बेशक बात को, हर कोई कभी भी जल्दबाजी ना करें, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। और जो है कुछ लोग ये समझते थे कि शायद शायद ठीक जो भी था, खैर, लेकिन यही कहूंगी कि सब्र कभी भी रायगा नहीं नहीं जाता, जाता, उसका नहीं। आज आपको फल आज फल मिल रहा है, और मिलता आपको है। वीडियो देखिएगा। मैं सो रही थी कल वीडियो बनाने के बाद, मैं आपको बताया था कि मैं पूरी रात नहीं सोई थी, तो मैं जो है रात में जब वीडियो उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैं सो गई, तो मेरी उसके बाद कॉल आई ऑफिस से। यहाँ पर ये होता है हर चीज़ के लिए कॉल आ जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी सारा कुछ होता है उसका कॉल हमारे टीचर्स का, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास, हम सबके पास एक दूसरे का मतलब इस तरह है कि कॉन्टैक्ट करना हो तो ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर हमें जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है और कॉल्स भी आ जाती हैं। तो कॉल आई मेरे पास कि सहर आप लोग जो है नीचे आ जाएं, यहाँ पर जो जो चीज़ें आप आगे वीडियो पे देखेंगे। तो मैं सो के उठी थी और बस मैं उठी और चले गई, तो मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह होगा कि वीडियो बनाना, क्योंकि जरूरत जरूरी बन गई थी उस वक्त, तो हम इन लोगों ने वीडियो कहा आप लोग से शेयर शेयर करें करें, क्योंकि अपनी आप लोग अब छोटी हमारे छोटी से मतलब खुशियां खुशियां, तो आप लोग हमारी। लाइक हमारे लिए फैमिली जैसे हो, अब आप बिल्कुल लोग हमारे लिए फैमिली हैं, तो मैं आप लोगों को उसमें प्लीज इग्नोर माई गेट ऑफ, क्या क्योंकि मुझे नहीं पता वीडियो बनेगी और मैं नींद से उठी और बस चले गई। तो आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद वीडियो देखने के बाद हम आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो वीडियो देखिए आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं आज हमारी बिल्डिंग में फ्रूट्स भी दिए जा रहे हैं सारे बच्चों को, और हमने अपने फ्रूट्स ले लिए हैं और हम अपने फ्रूट्स लेके जा रहे हैं। बहुत भारी हो रहा है और मेरा और मेहर का हाथ थक गया, हमने अब थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एप्पल्स वगैरह आए हुए हैं, अब हम समझ ये नहीं आ रहा है हम उठाएंगे कैसे इतने भारी।
अब ये बहुत भारी है, हम पेटियां लेकर जा रहे हैं सब यहाँ अपनी पे हर अपनी। काम हमें खुद करने पड़ते हैं, जाहिर है यहाँ पे लड़का लड़की कोई नहीं, जो लड़का भी हम हैं लड़की भी हम हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ 10 किलो की पेटी है, 10 किलो की इसके अंदर पेटी है एप्पल्स हैं सारे, और इसको उठाना है बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उठा रही हूँ। चलो मैं सोच रही हूँ जो 6 फ्लोर पे रहते हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। देखें जो कोई ऊपर, फिलहाल तो कोई नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा। जा रहे हैं इनके पास जो है It's too heavy. Now it's my turn. लोग देख सकते हैं इसमें एक, इसमें जो है ये इसमें पूरे एप्पल्स हैं पूरे, और एप्पल्स भी माशाल्लाह बहुत प्यारे। और ये इधर एक एप्पल, एक ये पूरी ये मेरी है और ये एक पूरी महर की है। इधर इसी तरह ऑरेंजेस भी दिए गए हैं। मतलब आप ये देखें कि हम जब सब्र हमने किया, आज अल्लाह ताला उस सब्र का फल जो है इतना प्यारा फल दे रहा है। आप ये देखें कि आज इतने फ्रूट्स हैं, इतने फ्रूट्स हो गए हैं कि हमें अब ये समझ नहीं आ रहा हम इन फ्रूट्स को किस तरह हैंडल करेंगे। मतलब अल्लाह ताला जो है वो इतना इतनी इतना रहम कर रहा है हम पे, और इतनी हमारी, मतलब आप देखें ना, जब मैंने बार बार, मेरा यही कहना था, जब अल्लाह मुश्किलात देता है तो आसानियाँ भी पैदा करता है। हमारा इतना दिन था कि हम जो है फ्रूट्स खाने के लिए वो हो रहे थे, और यूनिवर्सिटी ने हमारी ये मदद की, और हमें, मतलब मेरे पास तो अब लफ्ज़ ही नहीं रहे कि माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी कितना कोऑपरेट कर रही है। एप्पल्स अभी मैं जूस बनाएंगे, जूस पियेंगे इसके साथ, ऑरेंजेस को भी अब इंजॉय करेंगे, और बस इस तरह है। आप देखें कि मुश्किल वक्त जो था वो गुजर गया, अब आ रहे हैं अच्छे दिन हमारे, और महर अब जूस बना रही है और हम जूस इंजॉय करेंगे। महर जो है जूस बना रही है, अब अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग मोस्ट वेलकम है, आके जूस एंजॉय करें। बल्कि फ्रूट्स भी अगर किसी को चाहिए तो फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप, फ्रूट्स भी बहुत सारे हो गए हैं। नहीं है तो आ सकते हैं, हमारी वुहान यूनिवर्सिटी ने हमें इतना कुछ प्रोवाइड किया है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी वुहान यूनिवर्सिटी का, कि इतना ज़्यादा उन्होंने हमें कॉपरेट हर तरीके से, यही नहीं मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ जो उन्होंने हमें हमें प्रोवाइड किया है। और मज़ीद ये कि आप देख सकते हैं ये इतने सारे मिल्क पैक हैं जो यूनिवर्सिटी हमें देती है रोज़ाना ब्रेकफास्ट पर, हमारे पास इतने सारे जमा हो गए कि इतना मिल्क पिया ही नहीं जाता। हम चाय बनाते हैं और रात में सोने से पहले मिल्क पी लेते हैं, तो महर और मुझे दोनों को मिलता है। यहाँ फ्रूट्स भी हैं और इतना सारा मिल्क, मतलब जब अल्लाह रिस्क का वादा करता है इंसान इंसान परेशान हो जाता है ना कहीं कि अब पता नहीं कैसे होगा खाना पीना, लेकिन जब अल्लाह ने वादा किया है तो हमें रिस्क हर हाल में मिलता है। और आज इतना रिस्क है, इतनी फ्रूट्स, इतना मिल्क और इतना खाना और इतनी चीज़ें हैं कि मैं ये कहती हूँ कि अगर, मतलब मैं शुक्र अदा जितना अल्लाह का करूँ जितना करूँ वो कम है, कि अल्लाह ने मुझे इन हालात में भी भूखा नहीं रखा, मुझे मुझे अल्लाह ने बल्कि और नवाजा, इतना दिया कि आज मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह की हर नेमत का। मैंने उस मुश्किल वक्त में सबर किया, मैंने, हमारे वुहान के लोगों ने, तो अल्लाह ने आज उसके अजर में हमें इतनी चीज़ों से नवाज दिया है। तो देख सकते हैं आप यूनिवर्सिटी कितना कोऑपरेट कर रही है। तो जैसा कि आपने हमारी वीडियो देखी कि हमें सब्र के कितने सारे फल मिले हैं, और हम लोग जो है आपसे शेयर किए इतने सारे फल, हमें जो है खट्टे मीठे फल मिले हैं। अच्छा, हम लोग खा भी रहे थे, और हमने आपके साथ साथ हमने कहा चलो आप लोग से बातें भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। और जो है अब जो है ये कि मेरा काफ़ी टाइम से फ्रूट्स खाने का बहुत दिल चाह रहा था, और मैं कह रही थी कि यार, मतलब एक होता है ना, चाह रही थी मैं फ्रूट्स, यार मुझे बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन इतने सारे फ्रूट्स खट्टे मीठे हर मतलब किस्म आप ये के। देखें कि अल्लाह ताला ने इतने ज्यादा, मतलब इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि अब इतना ज्यादा हो गया है कि मैं ये समझ नहीं पा रही कि मैं रखूं कहाँ। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जितना शुक्र अल्लाह है अल्लाह ताला का का। शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं बचते कि मैं शुक्र अदा करते 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 भी जबान जो है वो, मतलब मैं रुक नहीं सकती। अल्लाह ताला बेशक बहुत नवाजता है, बस आप सब्र करें। तो आप लोग देखें अल्लाह ताला बहुत ज्यादा ऐसी जगहों से रास्ते बनाता है
कि हम सोच भी नहीं सकते, मायूस ना हो बस. मायूस ना हो, बिल्कुल मायूस ना हो. जो लोग मायूस हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह ताला भी उनसे नाराज हो जाता है कि ये बंदा मायूस हो गया है. और जो है अब अल्लाह ताला जब इम्तिहान लेता है तो फिर उस पर हमें पूरा उतरना होता है, और अल्लाह ताला फिर उसका अच्छा अजर देता है. देखो आज मुश्किल वक्त तो गुजर गया, अब है अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारी परेशानियां अब दिन ब दिन कम हो रही हैं. मुश्किल वक्त था, मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा ही दिन, नहीं, मुश्किल वक्त था, परेशानियां थी, हम सब ने, यहाँ रहने वाले वुहान के लोगों ने, हमने, फैमिलीज ने, बच्चों ने, सब ने वो गुजार लिया. और हमारी टीचर तो अब हमें बता रही थी, गुड न्यूज़ दे दी थी कि बहुत जल्द जो है सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी, वुहान दोबारा पहले जैसे हो जाएगा. तो मुझे इतनी खुशी हुई सुन के, इतनी खुशी हुई कि अब हमारी क्लासे वहीं दोबारा हो. तो बस वक्त लगा, लेकिन सब हो गया बेहतर. फिर और हम हो, आपसे वो सब शेयर करेंगे हाँ, फिर वो वीडियोस जो हमारी हमारा होंगे. हमारा एम था, एम था वुहान दिखाना. वुहान दिखाना, हमारी क्लास दिखाना, हमारी टीचर्स दिखाना. अच्छा, और दूसरी चीज ये कि हमारे पास इतने सारे ऑरेंजेस हो गए हैं, एप्पल्स हो गए हैं, और हमें ब्रेकफास्ट में बहुत मिल्क पैक दिए जाते हैं, दो मुझे दो सहरबाजी को दिए जाते हैं. तो अब हमें ये कमेंट्स में बताएं कि हम इसको यूज कैसे करें. इसका तो जैसे फ्रूट्स का तो जूस बन जाएगा, लेकिन जो है हमें मिल्क पैक का हम किस तरह जो है यूज करें, हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या क्या रेसिपी आपके इजी हो, कोई भी रेसिपी आपके माइंड में आए तो हमें बताएं कमेंट्स में जरूर. हाँ जरूर बताएं, क्योंकि इतना ज्यादा सामान बहुत ज्यादा हो गया, हम इसको कैसे सेव रखें. देखिए बहुत ज्यादा एप्पल हो गए हैं, बहुत ज्यादा ऑरेंजेस, इतना ज्यादा मिल्क पैक भी इतने ज्यादा हो गए हैं. तो आप लोग हमें जरूर कोई आइडिया दें, हम इसको कैसे आइडियाज यूज कर दें. सकते हैं. मास्क, और हमें जो है मास्क भी दिए हाँ, गए मास्क हैं. भी आपसे मैं मिलकर शेयर करती हूँ. ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी हमें मास्क भी मास्क, दे रही है फ्री में, बिल्कुल मतलब और ये बहुत एक्सपेंसिव मास्क है एक्सपेंसिव और कोई मास्क नॉर्मल है. नहीं है. और मैं आपको ये बताऊंगी इस मास्क को किस तरह यूज किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगी. ये नॉर्मल मास्क नहीं है, इस मास्क के अंदर जो है ये मुझे शीट होती कोई है शीट होती है, और उसको हम जो जो फिक्स करते फिक्स हैं करते हैं. और ये इस तरीके से उसको फिर लगाते हैं. इस वीडियो अगर आप देखें, मैं आपको पूरी दूसरी एक वीडियो बना लूंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि इसे हम प्रोसेस कैसे, इसका जो इसका प्रोसेस है यूज करने का वो भी बता दूंगी. तो ये मास्क हमें जो है मिलते रहते हैं, हैंड वॉशेस, और हमें हम एक वीडियो बना देंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी और हमें और हाँ, क्या क्या क्या. क्या चीज है. मतलब आप ये देखें ना, कल को हम लोग परेशान थे जब स्टार्टिंग में कोरोना कोरोना यहाँ जब हो रहा था, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान थे कि अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा, भाग जाएं हम यहाँ से, चले जाएं हम यहाँ से. लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैंने और मेहर ने उस वक्त ये, उस वक्त हम पता है उस वक्त भी हम बहुत स्ट्रांग थे, हमने, मैंने और मेहर ने यही कहा था कि वायरस तो पाकिस्तान में होते तब भी आ जाता, हमने, मैंने और मेहर ने यही बात बोली थी उस वक्त भी. तो मैं आज सोचती हूँ जो लोग कहते थे कि अपने मुल्क चले जाएंगे, यहाँ यहाँ सेफ नहीं है, तो अब पाकिस्तान में आ गया तो लोग पाकिस्तान से भी भाग जाएंगे. मतलब मुझे इतना अजीब लगता है ये सोच के, मतलब चले जाएंगे कहाँ जाएंगे. देखिए नेचुरल जो ये एक डिजास्टर अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, तो हमें हर चीज इसका, का हल भागने का नहीं होता. हाँ भागना नहीं है, सब्र करना है. सब्र करना है, हमें तो हमें ये चीज सिखाई जाती है कि हमें सब्र करना है. सो ऐसे ही बिल्कुल. थोड़ी बोला जाता है ये चीज ये में तो वहां पे. हमारे मतलब हमें, हम मतलब मैं ये सोचती हूँ कभी कभी ना, मुझे बुरा भी लगता है कि हमें गलत समझा गया, हमें बोला गया बार बार कि सहर महर आप लोग गलत कर रही हैं, आप लोग गलत कर रही हैं. पर मेरा ये अल्लाह पे पता है बहुत स्ट्रांग एक मेरा इतना ज्यादा भरोसा था उस वक्त के. देखो जब अल्लाह ताला खुद बोलता है बंदे को कि जहाँ हो इस तरह का वायरस, तो वहां पे हमें ना को उन लोगों को जाना चाहिए और ना नए लोगों को आना चाहिए, उस जगह को ही बंद कर देना चाहिए. तो ये तो एक, हाँ, एक मतलब नेचुरल सी नेचुरल चीज चीज है. है. तो फिर हमें तो फेस करना था ना, ना कि भागना था. खैर आज देखें हमने, सबने सब्र किया है, वहां के लोगों ने सब्र किया है, अल्लाह ने उसका अजर दिया है. बेशक. और मेरा बस नहीं चलता कि ये मास्क, जब मैं पापा से बात होती है, अम्मी से बात होती है, दे आर सेइंग कि लाइक वहां पर मास्क नहीं है शहर में, मिश्रा मेरी छोटी बहन है, तो मैं उससे बात करूँ तो वो कहे मुझे भेज दो शहरबाजी, मेरे पास जो मास्क नहीं है, मुझे डर लग रहा है. तो मैं परेशान, मेरी बहन के पास तो मास्क ही नहीं है, और मेरे पास इतने सारे मास्क हैं और मेरी बहन के पास ही नहीं है. तो मुझे ना परेशानी हो रही है अब मम्मी पापा के लिए, पाकिस्तान के लिए. देखे बिल्कुल. हम पाकिस्तान के लिए हम सब कुर्बानी देके यहाँ वुहान के लोग बैठे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ गया कर अल्लाह की तरफ से. और पाकिस्तान में रहने वालों से मैं ये कहूंगी कि कुछ नहीं होगा, बस पैनिक पैनिक ना हो. ना हो, और सेफ्टी प्रिकॉशंस को पूरा करें. और मास्क वगैरह का मैं दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जो जो लोग हैं वो कुछ अल्लाह के नेक भी बंदे जो फ्री भी दे फ्री रहे हैं, दे रहे कुछ लोग हैं. ऐसे हैं कि अवेलेबल है, तो मिले सबको मास्क मिले और सब ये लोग यूज करें. देखिए सेफ्टी पहले है, बाकी देखिए कोरोना वायरस
किस तरह फैल रहा है, क्या हो रहा है, वो बात की बात है, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी अपनी रखनी है. सेफ्टी करें लास्ट और में. जो है लाजमी तौर पे सेफ्टी रखें, वजू के जो फ्राइज हैं वो पूरे करें, और क्या कहते हैं दुआएं पढ़ते जूस रहें, जूसेस ये और सब कुछ इम्यूनिटी रखें. बढ़ाएं अपनी. तो टेंशन नहीं लें इंशाल्लाह. देखें हमने हमने भी टेंशन में से कोई खास ली नहीं थी स्टार्ट में. हम शुरू से मतलब ये कि ना हमने इसलिए भी नहीं लिया ना कि टेंशन लेके क्या था, टेंशन लेके सही फटना था और क्या हल होना नहीं था, था ना कोई भी. पहले भी होना था. तो मैं और बिल्कुल. महर जो है टेंशन नहीं लेते बहुत ज्यादा. हम लोग जो है बस ऐसे है, टेंशन नहीं लेनी और वक्त है गुजर जाएगा. हमारा भी तो था, देखें हम तो वुहान में है तो यहाँ पे भी गुजर जी गया बिल्कुल गुजर तो गया. आप लोगों का भी गुजर जाएगा. तो बस फेस करना सीखनी है, आपके ऊपर सीखी होता है क्या बिल्कुल. फेस करते हैं, किस तरह या टेंशन लेते हैं. तो बस इस तरह है. और आप लोगों की दुआओं का मैं बहुत ज़्यादा दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ. बहुत 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 ज़्यादा दिल से शुक्रिया. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दी, इतनी कि मैं शायद रियली मैंने सोचा नहीं था इतनी दुआएं मिलेंगी. तो और अब मैं बिल्कुल, मेरे कोई जो आंसू गलती से निकल भी गए थे ना वो भी अब नहीं आएंगे. मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ अब. बहुत और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि लाइक बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि सहर तुम यहाँ पे अकेले हो पूरी बिल्डिंग में, तो तुम जो है अंदर शिफ्ट हो जाओ जहाँ मास्टर्स और वो लोग रहते हैं पीएचडी वाले. तो मैं आपको इस वीडियो में बताती चलूँ, मैं अपनी बिल्डिंग में बहुत सेफ हूँ. ये चाइना है. चाइना में जितनी सिक्योरिटी है और बीइंग अ गर्ल मैं जितनी सेफ चाइना में हूँ मैं कहीं और नहीं हो सकती. मैं इतनी सेफ हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं कहीं ना कहीं अगर स्ट्रांग हुई हूँ तो चाइना का भी एक हाथ है. पता है चाइना चाइना में एक लड़की बीइंग अ गर्ल आप जितनी स्ट्रांग आपके पास पावर है ना बहुत ज्यादा. वो कहीं और नहीं हो सकता. तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि मैं अकेले हूँ इस बिल्डिंग में, हमारी लेकिन सेफ्टी प्रिक्वेशंस, मतलब कि हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ क्या किया जा क्या रहा किया है जा रहा है. और हमें हम किस तरह सेफ हैं, हम ये बताएंगे कि हम सेफ किस तरह हैं और देखिए बिल्डिंग डोमेट्री में और अगर हर अकेले भी चीज हैं तो हम बहुत सेफ हैं. सेफ है. सेफ हैं किस तरह वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में वीडियो में दिखाएंगे. बताएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं उस पर बनाऊंगी कि हमारे सराउंडिंग अगर कोई नहीं है तो हमें कैसे कैसे देखा जा रहा है, हम बच्चे क्या है, टीचर्स किस तरह आती हैं और हम सिक्योरिटी के लिए सब कुछ सब वो क्या अगर हो मैं रहा अभी है. इस वीडियो में से बता दूंगी. तो खैर मुझसे रुकाने जा रहा है, मैं अभी बता दूँ लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. तो आप लोग किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लें कि सहर बहर परेशान है, हम परेशान नहीं है. आप लोगों से बल्कि मैं कहूंगी पाकिस्तान में और दूसरी दूसरी अगर जगहों पे अगर कोरोना वायरस के कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ आ गया है, तो देखिए हर जगह ही आ रहा है, मैंने सुना है बहुत सारी और जगहों पे भी. तो प्लीज पैनिक ना हो, दुआ करें और सेफ्टी प्रिकॉशंस को पूरा करें. तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो ऐसे रास्ते बनाता है कि हम सोच भी नहीं सकते. तो और हमारे लिए दुआ करें और हम भी यहाँ पर अपने मुल्क के लिए और सबके लिए दुआ करते हैं और हमें भी दुआओं में याद रखें और हम भी सबको दुआओं में याद रखते हैं. जी सो बिल्कुल. तो आज की वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करते खत्म हैं. करते हैं. और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई. और हमें ज़रूर बताइएगा कि एप्पल और इन चीज़ों का हम कैसे यूज़ कर कमेंट्स रहे हैं कमेंट्स बिल्कुल में. ज़रूर बताइएगा, आइडियाज हमें आपके दीजिएगा. कमेंट्स की रियली अब तो मुझे लाइक मेरी फैमिली से मैं जैसे बातें कर रही हूँ और आप लोग मुझे आंसर देते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कैसे इसका यूज़ करूँ. और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी. और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक दिन के बाद, एक दिन बाद या एक दिन बाद इस तरह जब मुझे मौका मिले तो मैं वीडियो बनाऊँ. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपना बता तो चुकी हूँ क्या है. तो आप लोग बस अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.